भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, अमेजिंग। यहाँ देखो भाई आपको कितने बड़े बड़े भाले मिलने वाले हैं, दिखने वाले हैं। और ये देखिए पुराने ज़माने के औजार। तो फ्रेंड्स जो पहले इसकी रीडिंग थी वो थी 40,146 और अब है 40,191। तो ये है अपना जो क्लॉक टावर के पास ही है, और ये सामने है क्लॉक टावर, और ये अपना शाही समोसा वाला और अरोड़ा चाट वाला। भाई आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है जोधपुर में, जस्ट अमेजिंग, अल्टीमेट यार। तो भाई देख सकते हो कितने लोग अपने बैठ के यहाँ, मतलब सुकून ही अलग मिलता है यार यहाँ बैठने से, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडक भी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं अभिषेक और मैं हूँ इस टाइम जोधपुर में, और हाल ही में मैंने एक जर्नी की है दिल्ली से जोधपुर की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो भी देख लेना। और आज डेट है 18 फरवरी, और मैं इस टाइम हूँ जोधपुर में, और मैं जोधपुर पूरा कवर करने वाला हूँ। जैसे अपने मेहरानगढ़ फोर्ट हो गया, उम्मेद भवन पैलेस हो गया, तुरजी का झालरा हो गया, क्लॉक टावर हो गया, और जसवंत थाड़ा हो गया, ये सारा आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हैं जोधपुर आने का तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आइए मेरे साथ घूमिए जोधपुर। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं अपने होटल से, और अब हमको पूरा जोधपुर एक्सप्लोर करना है। तो मम्मी भी साथ में रेडी हैं और हम चल रहे हैं। पहले देखते हैं बाइक रेंट पे लेनी है मेरे को, फिर उसके बाद हम पूरा जोधपुर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये अपना सामने रेलवे स्टेशन है, और जब आप रेलवे स्टेशन से 100 मीटर आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा जोधपुर ट्रेवल्स। तो भैया खड़े हैं। हेलो भैया। हाय भैया, आप रेंट पे देते हो क्या? जी। ये क्या चार्ज इनके एक बार? ये कौन सी एक्टिवा का क्या चार्ज है? एक्टिवा BS5 है, इसका 350 रुपये है पर डे का। ये एक्टिवा BS5 है, इसका भी 350 रुपये है। और ये अपनी हिमालयन घड़ी है? ये हिमालयन गाड़ी है 2023 मॉडल BS6 में, इसका रेंट है आपके 2,000 रुपये पर डे। 2,000 रुपये पर डे। इसके अलावा FZ है, इसके अलावा थंडरबर्ड है, इसके अलावा हमारे पास क्लासिक मिल जाएगी, बुलेट मिल जाएगी। और FZ का क्या प्राइस है? FZ का अगर आप प्राइस लेते हैं तो ऑफलाइन लेते हैं तो इसका पड़ता है 800 रुपये, थंडरबर्ड का 1,000 रुपये। और आपके पास कार वगैरह भी मिलती है क्या? कार वगैरह भी हमारे पास। उनका क्या चार्ज है? कार्स का अलग अलग, गाड़ी का अलग अलग। कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास मिल जाएंगी? इग्निस कार है, उसका 1,800 रुपये से स्टार्ट है। उसके अलावा फिर सीडान कार में अमेज है, ओरा है, उनका 2,200 रुपये है, अर्टिका है, उसका 2,500 रुपये पर डे का है। 2,500 रुपये पर डे का। तो भाई ये है जस्ट रेलवे स्टेशन के पास, और अपना जोधपुर टूर एंड ट्रेवल्स इनका ऑफिस है। और अगर आप आ रहे हैं ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसमें फिर आपको और डिस्काउंट मिल जाता है। ऑनलाइन बुकिंग भी होती है? ऑनलाइन बुकिंग भी उसकी वेबसाइट होगी ना, www.jodhpurtravels.com। तो भैया की जो वेबसाइट है इनको हम लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और आप ऑफिस पर आकर भी बुकिंग करा सकते हैं। और ये है ऑफिस, देख सकते हो एक बार आप लोग। और ये भैया का ऑफिस। हेलो भाई। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। और यहाँ से आप हेलमेट वगैरह भी ले सकते हैं, अगर आप दो लोग आ रहे हैं तो 2 हेलमेट यहाँ से मिल जाएंगे, और फिर आप पूरा जोधपुर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर ले सकते हैं जल्दी अपनी 40,146, और हम देखते हैं कि आज हम कितनी स्कूटी चलाते हैं और कितना किलोमीटर चलता है लास्ट तक। तो 200 रुपये का पेट्रोल इसने भरवा लिया है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पंप से डायरेक्ट उम्मेद पैलेस के लिए, जो कि जस्ट पेट्रोल पंप के सामने से ही रास्ता जा रहे हैं। तो चलते हैं उम्मेद पैलेस। तो भाई ये रास्ता अपना चल रहा है उम्मेद भवन पैलेस, और देख लो चढ़ाई कितनी है भाई, यहाँ से व्यू देख सकते हो कितना प्यारा आ रहा है। चेक करो एक बार, ये व्यू मिलने वाला है अगर आप आ रहे हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले अपनी गाड़ी लगाएंगे कहीं पार्किंग में, देखते हैं। तो पहुँच चुके हैं उम्मेद भवन की पार्किंग में, और स्कूटी मैंने पीछे लगा दी है पार्किंग में। और तो जो पहला स्पॉट मेरे को पड़ा है उम्मेद भवन पैलेस, ये पड़ा है रेलवे स्टेशन से समथिंग 7 से 8 किलोमीटर, और ये एंट्रेंस गेट है, देख सकते हो आप ये एंट्रेंस गेट। तो चलते हैं, एंट्री करते हैं अंदर। तो भाई यहाँ से घर चलते हैं हम अंदर, और प्रवेश तो कर लिया, पहले लेते हैं टिकट। यहाँ की टिकट लगता है उम्मेद पैलेस की, तो लेते हैं टिकट, और उसके बाद हम आप लोगों को पूरा उम्मेद भवन घुमाने वाले हैं आज। तो देख सकते हो ये है टिकट काउंटर। तो टिकट मैंने ले लिया जिसका चार्ज पड़ा है 60 रुपये पर पर्सन, और ये है उम्मेद भवन पैलेस, देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छा आपको गार्डन मिलने वाला है। और ये देखो भाई उम्मेद भवन पैलेस, जो मेन एंट्रेंस है वो इधर से है।
तो फ्रेंड देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पुरानी पुरानी घड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि राजाओं महाराजाओं को काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ करता था घड़ियों का। और प्रेजेंट टाइम में जो उम्मीद भवन पैलेस है उसके ओनर हैं राजा गढ़ सिंह जी। और उम्मीद भवन पैलेस को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक में लग्जरी होटल चलता है और एक में शाही परिवार रहता है और जो तीसरा है उसमें म्यूजियम चलता है। और बाहर का गार्डन देख सकते हो यार कितना प्यारा है, मतलब ऑसम यार। और यहीं आपको केसर कुल्फी भी मिल जाती है, जो मैं कुल्फी ले लेता हूँ। कितने की है? 40 रुपीज़ का एक पीस। जो 40 रुपीज़ का एक पीस है, मैंने दो ले लिए हैं। तो यहाँ से ली थी मैंने केसर कुल्फी, और मम्मी देखो कैसे खाने में लगी हैं। भाई कुल्फी का जो टेस्ट है ना काफ़ी अच्छा है, अगर आप आ रहे हैं तो एक बार कुल्फी ज़रूर टेस्ट करें। तो भाई आप लोगों को एक बार ये व्यू दिखा देता हूँ पीछे का, देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई, देख सकते हो एक बार। ये देखो पूरी जोधपुर सिटी का आपको यहाँ से व्यू मिलने वाला है, देखो। तो भाई आ चुके हैं अपने पार्किंग में स्कूटी के पास, और अब उठाते हैं हेलमेट, और हेलमेट लगाते हैं फुल सेफ्टी के साथ, और गाड़ी में लगाते हैं चाबी और चलते हैं अपना नेक्स्ट जो है मेहरानगढ़। देख सकते हो भाई कितना VIP दृश्य आ रहा है यहाँ से, और जोधपुर का व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है। और वो सामने आप लोगों को दिख रहा है वो है भाई अपना मेहरानगढ़ फोर्ट, देख सकते हो। और यहाँ से देख लियो जोधपुर सिटी का व्यू, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अपना मेहरानगढ़ फोर्ट, और ये बाइक मैंने पार्किंग में लगा दी है। यहाँ भी इसकी 10 रुपये की जो पर्ची कटी है वो है, और ये पार्किंग जो जस्ट पीछे है फोर व्हीलर की पार्किंग, इस साइड है, आपको सारी पार्किंग मिल जाएगी अगर आप पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे हैं। और लेकिन यहाँ से जो अपना मेहरानगढ़ फोर्ट है वो थोड़ा चलना पड़ेगा, 400 से 500 मीटर, दिखा देता हूँ। और ये है सामने मेहरानगढ़ फोर्ट, जो पार्किंग थी पार्किंग अपनी इस साइड है, और भाई पार्किंग से आपको चलना पड़ेगा 300 से 400 मीटर फिर आएगा ये। तो यहाँ से चलते हैं हम अंदर। और ये है एंट्रेंस गेट सामने मेहरानगढ़ फोर्ट का, और जैसे ही आप आओगे तो सबसे पहले आपको एक गणेश मंदिर मिलेगा जो कि जस्ट सामने है, गणेश जी के, और गणेश टेंपल मिलेगा। उसके बाद ये है भाई अपना एंट्रेंस गेट। तो जैसे ही आप मेहरानगढ़ फोर्ट में अंदर प्रवेश करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा टिकट काउंटर, और पहले हम ले लेते हैं टिकट। तो ये है मेहरानगढ़ टिकट काउंटर का प्राइस, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका जो टाइम है 9 बजे से 5 बजे तक ओपन रहता है। तो फ्रेंड मैंने ये टिकट ले लिया जो कि पड़ा है 200 रुपये पर पर्सन। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कैफ़े, और भाई इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ बैठकर खा सकते हैं। ये देखिए भाई पहले कितने बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, और अब तो फ़िलहाल कबूतरों का घर बना रखा है, देखो। तो भाई चल रहे हैं अंदर, और ये दीवारें देखिए यार भाई कितनी बड़ी बड़ी और कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, और जो ऊपर जिंगले बने हैं ना विंडो वो देख सकते हो भाई कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ टिकट चेक इन करा दिया है, और यहाँ से अब चलते हैं हम अंदर। भाई देख सकते हो ये सीट वगैरह हैं, अब मेरे को तो नहीं पता लेकिन और अब हम चलते हैं अपने जो है पालकी खाना, इसमें चलते हैं। यहाँ शायद पालकी वगैरह हैं सारी। तो हाँ जी भाई ये हैं पुराने ज़माने की पालकियाँ, आप देख सकते हैं ये सारी पालकी हैं जो पुराने ज़माने में यूज होती थी। तो फ्रेंड्स ये है दौलत खाना, और चलते हैं इसमें भी देखते हैं क्या क्या है। भाई सामने आपको मिलने वाली है एक बहुत ही बड़ी पालकी, और इसमें जो कुछ हैं ओ भाई ये तलवारें देख सकते हो भाई पुराने ज़माने की तलवारें हैं ये देखो सारी तलवारें रखी हैं, मतलब जो अब तक हमने इतिहास में पढ़ा था वो यहाँ प्रैक्टिकली देखने को भी मिलेगा। भाई ये है देखो ढाल, और वो सामने गन रखी है, ये टोपी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और सामने आई थिंक हुक्का है देख सकते हो, और सामने ये एक पोशाक है।
लोहे का ताला, और ये है लोहे का ताला और चाबी। यहाँ मिलने वाला है भाई ऊपर शीश महल और फूल महल और तख्त विलास। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं ये भी चीज़ें, और आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ। और ये है भाई देख सकते हो शीश महल, और ये देख सकते हो भाई कितना प्यारा लग रहा है। ये है फूल महल, देख सकते हो भाई कितना प्यारा लग रहा है फूल महल। और काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी आती है। यहाँ देखो भाई आपको कितने बड़े बड़े भाले मिलने वाले हैं, दिखने वाले हैं। और ये देखिए पुराने ज़माने के औजार भाई देख सकते हो। और ये देखिए तलवारें, कितनी बड़ी बड़ी तलवारें हैं जो कि पुराने ज़माने में यूज होती थी। और यहाँ से आप लोगों को भाई व्यू मिलने वाला है पूरे जोधपुर का, जो कि बहुत ही लाजवाब व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। ये देख सकते हो मतलब पूरे जोधपुर का यार व्यू आने वाला है। और इस साइड है अपना म्यूजियम शॉप, और चलते हैं देखते हैं म्यूजियम शॉप में क्या क्या है भाई। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो टाइम लेके आए, समथिंग 1 से 1.5 घंटा आपको यहाँ लगने वाला है। यहाँ भाई आपको सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, आप यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जूती वगैरह देख सकते हो। तो भाई मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए दिखाने ऊपर सबसे टॉप पे, जहाँ तोफ रखी हैं वहाँ दिखाने, और ब्लू सिटी का जो पूरा व्यू है वो दिखाने आया हूँ। और अगर आप आ रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट तो भाई 2 से 3 घंटे निकाल लें, क्योंकि वो भी कम पड़ने वाले हैं भाई, काफ़ी बड़ा है मेहरानगढ़ फोर्ट। और देख सकते हो मैं आ चुका हूँ टॉप पे भाई, देख सकते हो ये रखी हैं सारी तोहफ़ें, ये देखिए भाई ये सारी तोहफ़ें मिलने वाली हैं। और यहाँ से व्यू देखिए भाई, पूरा जोधपुर का व्यू आ रहा है यार। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, जो अब तक की चीज़ें इतिहास में पढ़ी थी वो यहाँ सारी प्रैक्टिकल देखने को मिली हैं भाई। यहाँ सारे पुरातत्व ज़माने के यहाँ पे तलवारें, बंदूकें और टोपियाँ, पालकी, और ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो भाई आ जाएं, बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन यहाँ का जो टिकट प्राइस था वो थोड़ा सा कॉस्टली था उम्मीद भवन पैलेस की देखे, क्योंकि वहाँ उम्मीद भवन पैलेस का जो टिकट प्राइस था वो था 60 रुपीज़ का, और यहाँ का था वो था भाई 200। मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने के बाद हम आ चुके हैं पार्किंग में, और भाई मैंने ले ली अपनी स्कूटी और हेलमेट लगा लिया, और हम बढ़ते हैं अपना जो थर्ड स्पॉट है वो है हमारा जसवंत थाना। तो अब हम चलते हैं पहले जसवंत थाना, जो कि यहाँ से 500 से 600 मीटर दूरी है। जब आप आएंगे मेहरानगढ़ फोर्ट से, और ये आपको मिलेगी राव जोधा जी, और ये घोड़े पे सवार हैं, और देख सकते हो ये उंगली दिखा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की साइड, जो कि वो है मेहरानगढ़ फोर्ट, और ये राव जोधा जी की यहाँ पे मूर्ति है, और ये है आपका अपना सामने जसवंत थाड़ा। तो चलते हैं हम जसवंत थाड़ा, और यहाँ से भाई व्यू देख सकते हो भाई कितना प्यारा व्यू आ रहा है। देखो ये पार्किंग, ऑटो पार्किंग, और यहीं पे ये है अपनी बाइक पार्किंग। और अब हम अपनी स्कूटी करते हैं पार्क और फिर चलते हैं अंदर। ये अपना सामने टिकट काउंटर, यहाँ से लेते हैं हम टिकट, और आप लोगों को भी एक बार टिकट प्राइस लिस्ट दिखा देता हूँ उसकी। तो ये देखो ये है अपना टिकट, जो कि 30 रुपये का होगा। तो फ्रेंड्स मैंने ले लिया टिकट, जो कि मेरे को पड़ी है 30 रुपये पर पर्सन, और यहाँ से करेंगे एंट्री। तो जैसे आप जसवंत थाड़ा में अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको लेक देखने को मिलेगी। तो भाई देख सकते हो भाई कितना ब्यूटीफुल पार्क आपको मिलने वाला है। ये एक फाउंटेन जो कि चालू है, और ये है जस्ट देख सकते हो भाई जसवंत थाना, भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, अमेजिंग। और अंदर भी देखते हैं इसमें क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम आप देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और यहीं से आपको जसवंत थाना से भाई पूरा ब्लू सिटी का देखो जो व्यू देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलेगा, जो कि जोधपुर ब्लू सिटी के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये कुछ अंदर का व्यू आप लोगों को दिखने वाला है भाई, देख सकते हो ताजमहल की तरह, यहाँ पर ये ताजमहल भी बोलते हैं राजस्थान वाले।
ये है जसवंत थाड़ा, और जसवंत थाड़ा से आप जस्ट देख सकते हो, जस्ट वो सामने है मेहरानगढ़ फूड, जो कि 300 से 400 मीटर दूरी है, तो आप आसानी से यहाँ से भी पूरा दिख जाते हैं। और यहीं आपको भाई पानी की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, देख सकते हो, और हर जगह मिलने वाली है। वैसे जसवंत थाना में तो ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, आप 30 से 25 मिनट में भाई पूरा घूम लेंगे, और आपको वॉशरूम की जो फैसिलिटी है वो आपको हर जगह मिलने वाली है यहाँ, चाहे आप मेहरानगढ़ फोर्ट चले जाओ, चाहे जसवंत थाना चले जाओ, हर जगह मिलने वाली है। तो अब हम निकल चुके हैं अपना जसवंत थाना से और चलेंगे डायरेक्ट क्लॉक टावर यानी घंटाघर, और काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है तो चल के पहले खाना खाएँगे, क्योंकि भूख भाई काफ़ी गंदी लग रही है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, और टाइम हो चुका है 2:10, और उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो फ्रेंड मैं आ चुका हूँ अपना क्लॉक टावर घंटाघर, और जो जस्ट मेरे पीछे है ये है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि है शाही समोसा और अरोड़ा चाट भंडार, और अपना जो क्लॉक टावर है वो ये है, सामने ही आपको मिल जाएगा भाई, काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ का समोसा और लस्सी। तो फ्रेंड मैंने ले लिया, देखो ये एक लस्सी लिया, समोसा लिया है, और इसमें लिया है कचौड़ी, वो भी टेस्ट करूँगा, मतलब हर चीज़ टेस्ट करने वाला हूँ। और मम्मी कर रही हैं लस्सी पी ली है, मम्मी कैसा था भाई? मम्मी बोल रहे हैं एक नंबर। अब हम भी टेस्ट करते हैं और फिर यहाँ से हम निकलते हैं। तो ये है क्लॉक टावर यानी घंटाघर, और अंदर जाने का रास्ता है, और टिकट भी इसका है वो 25 रुपीज़ का है, जैसे कि लिखा है इंडियन टूरिस्ट टिकट 25 रुपीज़। तो अंदर चलते हैं, बाकी के देखते हैं भाई टिकट काउंटर कहाँ है, पता नहीं है, कोई तो होगा अंदर। और ये अपना घंटाघर, ये टिकट काउंटर है, कितने का टिकट अंकल? 25 रुपये। फ़ोन पे हो जाएगा? तो हम पहले लेते हैं टिकट फिर चलते हैं अंदर। तो टिकट मैंने ले लिया, ये मेरे को टिकट मिला है 25 रुपीज़ का, और चलते हैं भाई अब ऊपर। तो मैं आ चुका हूँ घंटाघर यानी क्लॉक टावर के ऊपर, और भाई देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर पे ही हूँ, और यहाँ से जो मार्केट का नज़ारा दिख रहा है ना भाई, काफ़ी मस्त आ रहा है व्यू, तो दिखा देते हैं आप लोगों को भी। तो फ्रेंड्स यहाँ मार्केट लगती है जो सदर बाज़ार के नाम से ज़्यादा फेमस है, तो ये देख सकते हो आप पूरा मार्केट का व्यू यहाँ से देख सकते हो ऊपर घंटाघर से आके, और आपको चारों तरफ मार्केट ही दिखने वाली है। और जो टूर जी का झालरा है वो आगे है, टूर जी का झालरा वहाँ भी चलेंगे हम, और फ्रेंड्स देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बाकी कुछ खास तो है नहीं यहाँ। तो मैं आ चुका हूँ भाई तूर जी का झालरा, मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ, और मैंने स्कूटी खड़ी कर दी है यहाँ साइड से, यहाँ पार्किंग वगैरह तो नहीं है तो मैंने यहीं स्कूटी लगा दी थी। तो ये है भाई देखो तूर जी का झालरा, जिसका निर्माण हुआ था 1740 ईस्वी में बेजिंग। भाई देख सकते हो कितना नीचे है ये पानी, अगर आप स्विमिंग करना जानते हैं तो भाई जाएं, वरना साइड से ही रहें। तो चलते हैं यार नीचे, हम भी देखते हैं क्या है भाई। भाई यहाँ तो स्विमिंग भी चल रही है पानी में, और काफ़ी लोग यहाँ बैठ के भाई एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हो। भाई अगर स्विमिंग आती है तो ही जाएं, वरना साइड से रहें। तो दोस्तों ये था अपना तूर जी का झालरा, और अब हम चल रहे हैं अपना जो नेक्स्ट है वो है मंडोर गार्डन, और वहीं चल रहे हैं, और टाइम भी हो चुका है 4:15, और यहाँ से फिर मेरी बस भी है जो शाम को वो है 7:15 पर, जो कि दिल्ली के लिए है। तो मंडोर गार्डन चलते हैं और हम वहाँ घूमते हैं, और फिर इतने में टाइम भी हो रहा है, तो हम बढ़े चले हैं आगे मंडोर गार्डन की साइड, तूर जी का झालरा कवर करने के बाद मंडोर गार्डन की साइड। तो चल रहे हैं भाई, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं मंडोर गार्डन। भाई व्यू देखिए, ये है जोधपुर सिटी का पूरा व्यू। तो ये अपना मंडोर गार्डन देख सकते हो भाई आप लोग। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं अपना मंडोर गार्डन, और गाड़ी मैंने पीछे पार्किंग में लगा दी है, और यहाँ भी मेरे को 10 रुपये की पर्ची मिली है, और अब हम चलते हैं अंदर मेन गेट एंट्रेंस लेते हैं, शायद यहाँ भी टिकट लगता है 10 रुपये का। तो चलते हैं अंदर, और आपको दोनों साइड पार्किंग मिल जाएगी, इस साइड आपको कार पार्किंग मिलेगी और इस साइड भी कार पार्किंग, और वो है बाइक पार्किंग जिसकी पर्ची 10 रुपये की कटेगी। और ये है मेन गेट, यहाँ से लेते हैं पहले टिकट। तो ये है अपना टिकट काउंटर पीछे, जो कि मंडोर गार्डन की टिकट थी 10 रुपये पर पर्सन की, तो मैंने 2 टिकट ले लिए हैं,
और चलते हैं अंदर यार, देखते हैं इसमें भी क्या है। तो भाई कर लिया मैंने मंडोर गार्डन में प्रवेश। तो भाई यहाँ पर यार एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, कहीं भी आप जाओगे तो आपको कैश चाहिए, मतलब फ़ोन पे तो यार अलाउ नहीं, अगर पार्किंग में आप गाड़ी लगाओगे तो कैश चाहिए, एंट्री टिकट लोगे तो कैश चाहिए, मतलब यार फ़ोन पे अलाउ नहीं है, कैश की तो बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या होने वाली है। तो चलते हैं यार, देखते हैं अंदर, घूमते हैं, और पार्क तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये है देख सकते हो मंडोर गार्डन का पार्क अंदर का, जो कि काफ़ी अच्छा पार्क है और भीड़ भी काफ़ी लगा। सामने ट्रेन दिख रही है मेरे को, साइड ट्रेन में घुमाते हैं क्या बैठा के। हाँ भाई सामने आ रही है अपनी जो ट्रेन, तो इसका भी टिकट लेना पड़ेगा शायद, और फिर यहाँ से घूमेंगे हम। तो मेरे को दो भाई मिले हैं, भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश सिंह राजपुरोहित। कहाँ से हो? मैं लखा जैसलमेर से। और आप कहाँ से हो भाई? उदय सिंह राजपुरोहित। कहाँ से? मैं बाड़मेर माबाद से हूँ। तो यहाँ मंडोर गार्डन घूम लिया? हाँ भाई, कैसा लगा मंडोर गार्डन घूम के? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे दर्शनीय यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये दो भाई मिले थे मेरे को, इन्होंने मंडोर गार्डन घूम लिया और अब मैं घूमने वाला हूँ, जो कि टॉय ट्रेन आ चुकी है हमारी पीछे। तो देख सकते हो भाई ये अपनी टॉय ट्रेन, और इससे आज अपना होने वाला है मंडोर गार्डन का टूर, देख सकते हो। तो फ्रेंड टिकट मैंने ले लिया, जो कि पड़ा है आपको 10 रुपये पर पर्सन टॉय ट्रेन का, और अब हम ट्रेन टॉय ट्रेन से घूमेंगे, जो कि आपको 5 से 7 मिनट में पूरा मंडोर गार्डन घुमा देती है। तो ये अभी ओपन नहीं हुई है, और यहाँ पर ये देख सकते हो भाई फाउंटेन देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है। और ये इस साइड भाई लंगूरों से बच के रहना, यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको लंगूर मिलने वाले हैं, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना। और यहाँ पर एक मंदिर मिलेगा, तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं अगर उतरना चाहें तो। और ये है म्यूजियम, तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ म्यूजियम में, लेकिन ये म्यूजियम है, इसकी 20 रुपये की टिकट है, लेके आप म्यूजियम जा सकते हैं। और ये है भाई यहाँ पर कैफ़े, देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी लेके खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और भाई देख सकते हो यार क्या अच्छा अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ पर, ये जो सामने मंदिर है आर्किटेक्चर का, ये अब जब साउथ में जाओगे ना तो आपको ऐसे मंदिर मिलते हैं ज़्यादातर साउथ में, तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई मैं साउथ में आ चुका हूँ, तो क्योंकि वहीं ऐसे मंदिर मिलते हैं। और भाई देख सकते हो बस इतना ख़ास तो कुछ नहीं है मंडोर गार्डन में, म्यूज़ियम है वो, आप टिकट दोगे तो म्यूज़ियम में एंट्री मिलेगी, जिसका चार्ज है 20 रुपये। तो मैं तो नहीं गया हूँ क्योंकि मेरी भाई शाम को बस है, तो और टाइम भी 5:30 हो चुका है, तो अब हमें निकलना है। और आप लोगों के लिए मैंने कवर कर दिया मंडोर गार्डन भी। और फ्रेंड्स ये देखो भाई कितने ज़्यादा लंगूर आपको यहाँ मिलने वाले हैं, तो इनसे थोड़ा बच कर रहें, ये कुछ भी छीन सकते हैं तुम्हारे हाथों से, इनका आतंक काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैंने मंडोर गार्डन पूरा घूम लिया, और मैं अपना बताऊँ तो भाई मेरे को तो मंडोर गार्डन में इतना कुछ खास नहीं लगा है, क्योंकि उसमें आप घूम से टॉय ट्रेन, हाँ बस ये है कि टॉय ट्रेन है, अगर आप आ रहे हैं तो टॉय ट्रेन का मज़ा ले सकते हैं, बाकी की एक म्यूज़ियम है और मंदिर है वहाँ दर्शन कर सकते हो। म्यूज़ियम तो भाई आपको जोधपुर आ रहे हैं तो हर जगह मिलने वाले हैं। तो यही था अपना मंडोर गार्डन, और हम आ चुके हैं पार्किंग में, और वहाँ से लेते हैं अपनी स्कूटी और चलते हैं अपना शास्त्री सर्कल पार्क, दिखाते हैं आप लोगों को, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। मंडोर गार्डन घूमने के बाद हम निकल दिए हैं अपना जो शास्त्री सर्कल पार्क है, चलते हैं वहाँ, देखते हैं टाइम है तो चलते हैं, वरना फिर हम चलेंगे अपने डायरेक्ट होटल, वहाँ से बैग लेंगे और स्कूटी लेंगे। और फ्रेंड्स आज की ट्रिप हमारी कुछ ऐसी रही है, और देखते हो भाई स्कूटी पे मैं, मम्मी दोनों लोग, और ये ट्रिप हो रही है। भाई वीडियो को लाइक तो कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो यार। तो फ्रेंड मैं आ चुका हूँ अपना शास्त्री सर्किल पार्क, मैंने कोशिश की और मैं आ गया, और भाई टाइम अभी 6 हो चुका है, लेकिन मेरी जो बस है वो 7:15 की, मतलब 1 घंटा 15 मिनट है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार जब जोधपुर आया हूँ तो शास्त्री सर्किल पार्क भी कवर किया जाए, ये यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस पार्क है। तो आ चुका हूँ देख सकते हो आप लोग, और ये है शास्त्री सर्कल पार्क, जिसका कोई भी एंट्री चार्ज नहीं है। और यहाँ बच्चों के झूले तो यार काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को, तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये एक पार्क ही है, और जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर, देख सकते हो ये पार्क मिलने वाला है आप लोगों को। और बच्चों के झूले तो यार काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर बच्चे हैं साथ में तो आप शास्त्री पार्क बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि बच्चों का अच्छा इंजॉयमेंट हो जाता है यहाँ पर। तो देख सकते हो ये है भाई शास्त्री पार्क, और काफ़ी सारे आप लोगों को झूले मिलने वाले हैं, जो कि सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो देख सकते हो भाई ये कुछ शास्त्री सर्कल पार्क, अगर आ रहे हैं जोधपुर तो यार यहाँ भी एक बार विजिट कर लें।
तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए जोधपुर में 7 जगह कवर की हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं चला था उम्मेद गार्डन, उम्मेद गार्डन के बाद मैं गया था मेहरानगढ़ फोर्ट, और उसके बाद मैं गया था अपना जो जसवंत थाड़ा के बाद तूर जी का झालरा, और उसके बाद घंटाघर के बाद गया था मैं वो मंडोर गार्डन के बाद आ गया मैं सर्कल पार्क, जो कि शास्त्री सर्कल पार्क। और देख सकते हो भाई, काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा हुआ। और जो मेरी जो ट्रिप थी आज की, जोधपुर की वनडे की ट्रिप, मैंने ये सारी जगह कवर की हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप अच्छा लगा हो तो वीडियो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन भाइयों तक, और आपके रिलेटिव आने वाले हैं जोधपुर तो इस वीडियो से उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तो फ्रेंड्स, अब टाइम हो चुका है 6:20 और हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि हमें स्कूटी भी देनी है और अपना होटल से चेकआउट भी करना है, और 7:15 पर हमारी बस भी है जो कि कजरी रोड से है। तो फ्रेंड्स, चल रहे हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये अपना शास्त्री सर्कल पार्क, और जस्ट उसके सामने काफ़ी सारी आपको मेडिकल की दुकानें दिखेंगी। जैसा मतलब ऐसा लगता है यार जैसे कोई एम्स हॉस्पिटल वगैरह हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो मेरे को कुछ नहीं दिखा, लेकिन सारी आपको मेडिकल स्टोर ही मिलेंगे। देख सकते हो जितने भी है ना, सारे मेडिकल स्टोर हैं। वहाँ मेरी पार्क लगी है पार्किंग में। वही चल रहे हैं डायरेक्ट अपना रेलवे स्टेशन, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और बस निकलने के भी मेरे ज़्यादा चांस हो जाएंगे फिर। भाई, पूरी जोधपुर सिटी घूमी, काफ़ी मज़ा आया, और शायद आप लोगों को भी आया होगा। अगर आया है तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, इसकी जो रीडिंग थी पहले वो थी 40,146 और अब है 40,191, यानी मैंने 45 किलोमीटर में पूरी राइड कवर की है, पूरा जोधपुर कवर किया है, हर जगह की कवर किया है 45। और मैंने इसमें जो पेट्रोल डलवाया था वो डलवाया था भाई 160 का मैंने पेट्रोल डलवाया था, उतने में मैंने पूरा कवर कर लिया है। और फ्रेंड्स, उनके पास फोर व्हीलर भी जाते हैं, जिनको आप 2,200 से 2,500 रुपए में पर डे जा सकते हैं। अगर आप फैमिली में 3 या 4 लोग हैं तो फोर व्हीलर से भी कवर कर सकते हैं। बाकी मैंने ऑटो वालों से भी पूछा था, तो उनके जो चार्ज होते हैं पूरे दिन के घुमाने के भी होते हैं 1,200 से लेकर 1,500 रुपए तक। अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो भाई 1,000, 1,100, 1,200 में आपको मिल जाते हैं, वैसे 1,500 तक लेते हैं। तो मैंने कर दिया, अपने होटल से चेकआउट भी कर दिया, और भाई 6:45 हो चुके, और मेरी बस है जो कि अपना जहाँ शास्त्री सर्कल पार्क है उसके पीछे ही है कजरी रोड, वहीं से मेरे को बस मिलने वाली है जैन ऑफिस से, फ्लिक्स बस मेरी वहीं से है। और मैं जब आया था घर से दिल्ली से और जोधपुर तक, तो उसका किराया पड़ा था भाई 269 यानी 269 रुपये पर पर्सन, और जाने का भी है 269 रुपये पर पर्सन। मतलब हम दो लोग थे, मैं और मम्मी, तो हम दोनों लोगों का पड़ा था आने और जाने का 1,070 रुपये में हम भाई दिल्ली से जोधपुर आए और फिर जोधपुर से दिल्ली पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।